कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मास्क पहन लूँ? हाँ सर। सवाल पूछ रहे या निकल लूं? नहीं, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मीडिया वालों का धन्यवाद। सबसे पहले दो शब्द तो ये कहूंगी कि बहुत लंबी यात्रा रही, मेहनत वाला सफ़र रहा, तब जाकर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और गुरु की कृपा है, ईश्वर के आशीर्वाद है, दर्शकों के आशीर्वाद है, उनका प्यार है, आप सभी का भी सहयोग है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अवार्ड आपके लिए भी है। जब भी आप कुछ करती हैं, कहीं भी कुछ काम आपका आता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, एंड इसलिए ट्रेंडिंग जी। अब बिल्कुल मैं कहूँगी कि ईश्वर के आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है, उनकी कृपा है, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार है, बाकी कड़ी मेहनत अपनी जगह पर है। इतना ज़रूर कहूँगी कि खूबसूरती ढल जाती है, ताकत ढल जाती है, ओहदा और पद समाप्त हो जाता है, पर अच्छा इंसान आखिर अच्छा इंसान ही रहता है। एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। अच्छा लगता है क्योंकि सीज़न टू हमेशा प्रोड्यूसर और चैनल सामने से बनाते हैं, पर ये दर्शकों की डिमांड थी, तो ये सौभाग्य है। इस सम्मान के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और दर्शक मुझे प्यार कर रहे हैं, चाहे मैं किसी भी किरदार में आऊँ, तो ये भी बहुत बड़ा सम्मान की एक बात है, विषय है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे ये नए शो का रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? मुझे लगता है कि साथिया सीज़न वन को जितना प्यार दर्शकों ने दिया उतना ही प्यार दर्शक देंगे। अभी शुरू हुआ है और शो जमेगा तो दर्शक उतना ही प्यार ज़रूर बरसाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज क्योंकि मौका भी है एंड हमारे दोस्त सभी हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि रसोई में कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मास्क पहन लूँ? हाँ सर। भाभी जी घर पर कोविड टाइम में ऑल वेल, सब बढ़िया, ध्यान रखिए, स्टे सेफ।
थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन कीजिए प्लीज. थैंक यू सो मच. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके थैंक यू. दादा साहब फाल्के के साथ में नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है. या ऑफ कोर्स ये बहुत ही सम्मान की बात है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए और इस अवार्ड के लिए चुना गया. और एक वादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रही हूँ कि मैं अच्छा काम करती रहूँगी और इसी तरह एंटरटेन करती रहूँगी. जो अवार्ड मिला है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आप साल में काम करते हैं और इस खासकर ये जो 2020 रहा है हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि ऐसे वक्त में अपने फैमिली को घर पर छोड़कर और काम पर जाना और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप इन्फेक्शन या वायरस लेके घर पे ना जाएं, तो रोज़ एक डर होता है. लेकिन स्टिल जब आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिलता है तो आई थिंक इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता. जब भी आपका सीरियल या कोई भी सीरियल हिट होता है खास करके बातचीत करता है जिस तरह से जब भी आप जाते हैं लोग आवाज़ करते हैं आप जी देते हैं सही पकड़े जो डायलॉग्स है कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है सुभानी जी के लिए? नहीं, बहुत खुशी होती है. और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जब लोग लॉकडाउन में घर में थे सबसे ज़्यादा लोगों ने भाभी जी देखा तो वो सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग परेशानी में थे या एक कश्मकश में थे कि पता नहीं क्या होगा हम अपने काम पर वापस कैसे लौटेंगे तो हम लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान ला रहे से थे. तो दैट्स द बेस्ट जी. 1500 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं भाभी जी ने तो ये एक माइलस्टोन है अपने आप में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अभी टेलीविजन सिनेरियो है. तो बस यही है कि लोगों को इसी तरह हंसाते रहें और लोग खुश रहें खिलखिलाते रहें. मैम टेलीविजन तो आप कर रही है लेकिन कभी हम आपको OTT प्लेटफॉर्म में KGA टॉकीज में आपको देख पाएंगे हम लोग? ज़रूर. और प्लीज़ मतलब मुझे ऑफर्स तो आते हैं बट अभी वही है कि बिकॉज हम अभी इतना बिजी हैं इस शो के साथ बट फॉर श्योर. और इस बार मैं ऑडियंस को और ज़रूर सरप्राइज करना चाहती हूँ. तो आप करना पसंद करेंगे KGA टॉकी की? देखिए ज़रूर. वुड लव टू. या थैंक यू सो मच. हाँ जी हाँ थैंक यू. आप सब ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल. उधर देख लो और देख से देख लिया मोबाइल से खींच जाएगा फोटो खींच जाएगा. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. कितने कितने 100 सही पकड़े हैं? तो क्या कहना चाहेंगे सर, सेट में आप लोगों ने काफी सेलिब्रेशन दिया, केक कटिंग की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो शोज चल रहे हैं उनमें दो दो तीन तीन महीने में चीज़ें बंद हो रही हैं. ऐसे में अगर कोई चीज़ छठे साल में चल रही हो, March 3 को हम 6 साल पूरे कर लेंगे और 1500 एपिसोड तक पहुंच रहे हो तो ये हम बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जबकि देखने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ है, पूरा एक वेब वर्ल्ड है जो काम कर रहा है. और इसके पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वो मैं समझता हूँ हमारी जो राइटर है उनकी राइटिंग है जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप पसंद करते रहें, आपका प्यार मिलता रहेगा तो 6 साल नहीं पूरे 12 साल 15 साल बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर यहीं से निकल लेंगे. कोविड में आप काफ़ी लोगों को आपने डाटा भी, जो लोग बाहर निकले थे तो कुछ कहना चाहिए कैसे एक क्राइसिस को? नहीं, एक्चुअली क्या था, वो डांटा नहीं था, वो एक तरह की प्यार भरी सीख देने की कोशिश थी. बाद में मुझे बहुत डांट पड़ी क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश ऐसा ही है,
अगर आप थोड़ी सी कुछ नसीहत देने लग जाओ तो वो उल्टा आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इतना चिल्ला रहे लोग, कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, ये रखो वो रखो, लेकिन आप कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृपा करके उसका ध्यान दें। हालांकि इस समय हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, अब ये भी बात हो सकती है शायद। अभी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा नहीं होगा। OTT प्लेटफॉर्म में हम आपको कब देख पाएंगे? KG टॉपिक नया आया है OTT प्लेटफॉर्म, आपको हम लोग कब देख पाएंगे यहाँ पर? भाई हम अब इसमें क्या बताएं यार, तुम इतने अच्छे से भाभी जी घर पर हैं, देख रहा हो, तुम्हारे गुर्दे लाल ना हो रहे यार, तुम कहाँ कहाँ देखना चाहोगे हमें यार, हद हो गए, अब गुर्दे के मुँह को आ जाएंगे हमारे क्या? नहीं, इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा महीना लगभग चला जाता है, हमारे पास चाह कर भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है। अंदर की बात बोलो ना, धोने तक का टाइम ना है, सुबह से 8 से रात के 8 हो जावे हैं। काफ़ी बिजी। और एक चीज़ और है कि हम थोड़े से चैनल के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से भी बंधे हुए हैं, उसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है, क्योंकि पहले हमारे साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई उसकी वजह से जितने भी चैनल्स हैं बड़े वाले, उन्होंने मेजर एक्टर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एक नए एक शो का भी इसी तरह का हुआ है, आपने सुना था मराठी चैनल पे? हाँ जी। एक्ट्रेस ने शो छोड़ दिया, डायरेक्टर कौन सा शो कहना चाहिए कुछ नहीं? देखिए ये अपनी अपनी इंडिविजुअल विचारधारा है, लेकिन कमिटमेंट एक चीज़ होती है जिसे हर आदमी का अपना अपना सत्य है। जैसे मैं और टिल्लू हमेशा ये चाहेंगे कि हम कमिटेड रहें चीज़ों के प्रति, क्योंकि हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है ना, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम साथ रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे। हाँ, जो आज आपको अवार्ड मिला है, उनका शायद किसको देना चाहिए? यार ये अवार्ड अब मैं क्या बताऊँ कि बहुत छोटे थे जब माँ इस दुनिया से गुजर गई, बड़ी बहनों ने हमारा पालन पोषण किया है और बड़े भाई आदिल जैदी ने हमें इस लायक बनाया है, हाथ में कलम दिया है, तो मैं समझता हूँ ये अपनी बहनों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप का तो हमारी हर सांस पे हुकूमत है, उनका तो हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर बहनें और भाई इस काबिल निकल जाते हैं जो छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं मुंबई तक पहुँचाते हैं और ऐसे लोग मिल जाते हैं, बड़ी बात है। थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हो गया मेरा, आओ सर, ट्रॉफी।